गुजशत दर्स में हमने असूल फ़ि की तारीफ की और ये जाना कि फन या फ़्र यासूल फ़ि क्या है और खुलासे के तौर पर मैं उस तारीफ का अदा एक बार और कर देना चाहता हूँ फन ओसूल फ़िख़ एक ऐसा फ़न और एक ऐसा इल्म है जिसके अंदर फ़्र के इजमाली अदिल्ला और उनिल्ला से इस्ते की कैफियत और मकलद या मुशत के आदाब और उस उनके शुरूत के बारे में गुफ्तु की जाती है उस फन का नाम है जिसके अंदर फ़िक के इजमाली अदिल्ला और उन अदिल्ला से अहकाम के इस्तेमाल का तरीक़ा और जो इस्तेमात करने वाला मुफ्ती मुश्त आलिम है उसके अहवाल के बारे में गुफ्तु की जाए उसे ओसूल फ़िक कहा जाता है आज के दर्स में हम फ के मौजू से अपनी गुफ्तु की इब्तदा करते हैं देखिए हर इल्म चाहे उसूल फिक हो या कोई भी इल्म हो चाहे इल्म हो या दुनियावी हो उसका एक मौजू होता है मौजू से क्या मुराद है मौजू से मुराद है कि वो इल्म किन चीजों के इर्द गिर्द घूमता है कोई भी चीज जिस चीज के इर्द गिर्द घूमे वो चीज़ उसका मौजू कहलाती है मिसाल के तौर पर जैसे इल्मे तिब है इल्मे तिब किस चीज के बारे में होती है एक जो तबीब होता है डॉक्टर एक डॉक्टर होता है उस डॉक्टर का मौजू क्या होता है उस डॉक्टर का मौजू वो मरीज होता है जिसका वो इलाज कर रहा होता है उस डॉक्टर का मौजू या उसका सब्जेक्ट वो मरीज होता है जिसका वो इलाज कर रहा होता है गोया की डॉक्टर की सारी तवज्जो डॉक्टर का सारा काम उसी मरीज के इर्द गिर्द घूमता है इसलिए हम कहते हैं कि तिब का मौजू या उसका सब्जेक्ट वो मरीज है इसी तरह से हर इल्म का कोई एक मौजू होता है तो इल्म का जो इल्म है इसका मौजू क्या है जैसा कि हमने उसूल फिक्र की तारीफ में जिक्र किया आ, उस तारीफ को अगर आप सामने रखें तो आप आसानी के साथ समझ सकते हैं कि इल्म, आ, उसूल फिक्र का मौजू क्या है उसूल का मौजू फिकह के इजमाली या कुल्ली अदिल्ला जिनको अदिल्ला इजमालिया या अदिल्ला कुल्लिया कहा जाता है फिकह के अदिल्ला इजमालिया या अदिल्ला कुल्लिया से बहस करने का नाम उसूल फिकह है लिहाजा उसूल फिकह का मौजू वही अदिल्ला इजमालिया और अदिल्ला कुल्लिया है मिन है तो है वल इस्तिफादा मिन कि वो अदिल्ला कब हुज्जत हैं कब काबिल एहतजाज हैं क्या वो अदिल्ला सही है या नहीं सही है अगर सही है तो उनसे इस्तला किस तरह से किया जाएगा उनसे अहकाम का किस तरह से इस्तेमाल किया जाएगा उनसे किस तरह से इस्तेफा किया जाएगा इस ये जो है फेर का मौजू है और ये जो अदिल्ला हैदिल्ला के बारे में इंशाला हमारी तफसी गुफ्तु जब हम अदिल्ला के मबाज में आएंगे तो वहां पर हम तफसी के साथ उनदिल्ला के सिलसिले में गुफ्तगु करेंगे वह अदिल्ला बहुत तरह के हैं कुछ अदिल्ला को उसूल ने दो अकसाम में तकसीम किया है जो फ़िक्र के अदिल्ला हैं एक तो वो अदिल्ला जिन पर सारेमा का इतफ़ाक़ हैं कि ये अदिल्ला हजत हैं और ये काबिल एहतजाज हैं और इनसे अहकाम का इस्तेमाल किया जाएगा जैसे कुरान सुन्नत इजमा और कयास ये चार अदिल्लादिल्ला मुतफ़ अलिया कहलाते हैं इनके अलावा बहुत सारे अदिल्ला ऐसे हैं जिनके बारे में अख्तिलाफ है बहुत सारे आइमा के नजदीक कुछ अदिल्ला हैं, दूसरे आय के नज़दीक कुछ हैं इंशाला उनकी तफसी जब हम अदिल्ला के मबाहिस में आएंगे तो वहां पर उनका जिक्र किया जाएगा इन तो गोया की उसूल फिक्र का मौजू वो अदिल्ला हैं जिनसे फिक्र के अंदर इस्तलाल किया जाता है वही अदिल्ला उसूल फ़िक्र का मौजू है और इसके साथ साथ ये जानना भी कि उन अदिल्ला से इस्ता कैसे किया जाएगा उन अदिल्ला से अहकाम का इस्तेमाल कैसे किया जाएगा यही एक उसूली का मौजू होता है लिहाजा यही उक्र का मौजू है आ, इसके बाद हम जानते हैं कि असूल फ़्र इम ओले फ़िक्र या फन्ने ओसूल फ़्र जो है ये इसका इस्तेमाद क्या है इस्तेमदाद का मतलब ये जो असूल फ़िक्र काम है ये कहाँ से माखूज है इसका मसदर क्या है इसे कहां से लिया गया है तो इसको इस्तेमदाद कहते हैं तो उसूल फ्र का इस्तेमदाद या उसका इस्तेफादा या उसका मसदर या उसका माखज ये क्या है कहां से उसूल फ्र को निकाला गया है तो इसके बहुत सारे मसादिर और माखज हैं जहां से इस इल्म को जहां से लेकर के इसको मुरतब किया गया है तो मैं तरतीबार उन मसादिर का मुख्तसर तौर से जिक्र करता हूं पहला मशदर किताब सुन्नत है असूल फ़िक्र का पहला इस्तमदाद किताब और सुन्नत से होता है इसकी वजह यह है कि जितने भी अदिल्ला हैं जितने भी इजमालिया या अदिल्ला कुलिया हैं वो सारे अदिल्ला अगर आप गौर करेंगे तो आखिर में वो सारे अदिल्ला किताब और सुन्नत की तरफ ही लौटेंगे क्योंकि जो असल दलील है हमारी शरीयत के अंदर वो असल दलील सुन्नत है बाकी जो अदिल्ला है वो सारे अदिल्ला किताबो सुन्नत के ताबे हैं वो असल दलील नहीं है वो इसलिए दलील है कि किताबो सुन्नत दलील है और उन अदिल्ला को किताबो सुन्नत से मुस्मत किया गया है लिहाजा किताबो सुन्नत ये असल मसदर और माखज है उसूल फिका इसके साथ साथ में एक मसदर अदिल्ला अकलिया है अदिल्ला अखलिया से किसी को ये गलत फहमी नहीं होनी चाहिए कि इंसानी अक्ल ये शरीयत के मामले में दलील है हर इंसान की अक्ल बल्कि अदिल्ला अकलिया से वो अदिल्ला किसी ऐसे इंसान के अक्ल की दलील मुराद है जिसकी अक्ल सलीम हो और जो सलीम फितरत और सलीम तबीयत पर हो क्योंकि हमारी शरीयत अकल सलीम और फितरा तबिया के ख़िलाफ़ नहीं है हमारी शरीयत के अंदर कोई भी ऐसी चीज नहीं है जो अकल सलीम के खिलाफ हो लिहाजा ये नहीं समझना चाहिए कि हर अकल दलील है बल्कि जो अकल सलीम है वो दलील है और बहुत सारे ऐसे मसाइल में आप देखेंगे जहां हम कहते हैं कि मसाल मुरसला ये हजत है इसका ताल्लुक अक्ल से है इंसानी अक्ल से तो अगर इंसानी अक्ल सलीम है अपनी असल तबीयत पर बाकी है तो वो किताब सुन्नत के अदिल्ला के मुआफिक ही होगी लिहाजा अदिल्ला अकलिया को भी फ़िर के मस्तर और माखज़ में शुमार किया जाता है तीसरा इसका जो मस्तर है हदीस। मस्ती हदीस ये भी एक फ़न है जिसमें हदीस के सिलसिले में आ, कौन सी हदीस सही है कौन सी हदीस ज़यीफ़ है उसके बहुत सारे मसाइल के बारे में गुफ्तु की जाती है तो मुलह हदीस का भी बहुत गहरा ताल्लुक है ओलोल फ़िर से खास तौर से जब हम सुन्नत के मबाहिस में तो वहां पर हम देखेंगे कि उसूल फिक्र के मसाइल का मुस्तलहुल हदीस के मसाइल से भी बहुत सारे नाहियों से बहुत गहरा ताल्लुक है तो मुस्तलहुल हदीस भी एक मस्तर और माखज माना जाता है उसूल फ्र का चौथा मस्तर और माखज है इल्म तौहीद इल्म तौहीद ये एक मुस्तकिल फन है जैसा कि मैंने मुकदमे में जिक्र किया था कि शरीयत के जो अहकाम हैं वो बुनियादी तौर से तीन हिस्सों में तकसीम किए जाते हैं एक मिया दूसरे अमलिया तीसरे अखलाक और आदाब तो जो अहकाम इलमिया हैं, वही अकीदे के मसाइल हैं और तोहहीद के मसाइल हैं तो अहकाम इल्मिया से भी उस फ़ाह का इस्तमदाद और उसका इस्ता है और बहुत सारे मसाइल में आप देखेंगे कि बहुत गहरा ताल्लुक है उसूल फिक्र का अकीदे के मसायल से खास तौर से बिदात वगैरह तो के जो, जो मसायल हैं उसका बहुत गहरा तालुकुक है उसकी बहुत सारी मिसालें हैं जो जगह जगह इनशाला आएंगी बतौर मिसाल एक मसला पेश करना चाहता हूं जैसे कि एक मसला है कि अगर कोई सुन्नत मुतलक है अगर कोई सुन्नत मुतलक है और उसकी तकईद कहीं पर वारिद नहीं हुई है तो उसको मुतलक ही रखा जाएगा उसको किसी वक्त के साथ किसी जगह के साथ या किसी खास कैफियत के साथ मुकैद नहीं किया जाएगा ये असूल फेर का एक मसला है अब इसका ताल्लुक अकीदा से है अकीदा से किस तरह से है अगर कोई सुन्नत मुतलक है और अगर उसको कोई बगैर दलील के किसी वक्त के साथ किसी कैफियत के साथ किसी जगह के साथ खास कर रहा है तो इसको बिदात कहते हैं जो तौहीद हैं जो है तौहीद के फन में अगर आप जाएंगे तो ऐसे अमल को बगैर किसी दलील के किसी सुन्नत को मुक्यद करना यह बिदात है तो बहुत सारे मसाइल हैं जिनका ताल्लुक अकीदे के मसाइल से है उसूल फीके के अंदर बहुत सारी उसूली किताबों में आप देखेंगे इल्म तो के बजाय कलाम लोग जिक्र करते हैं तो कलाम से आपको यह धोखा नहीं होना चाहिए कि इससे मुतलम मुराद हैं बल्कि कलाम इम तो पर इबदा में इब्तदाई अदवार में इम कलाम का इतलाक़ होता था उसको इल्म कलाम कहा जाता था बाद में उसको इल्म तो कहा जाने लगा इम कलाम के कहने के कई इसबाबलमा ने जिक्र किए हैं एक सबब तो ये जिक्र किया गया है कि आ, अकीदे के मसाइल पर मतकलम ने बहुत ज़्यादा शुरू में गुफ्तू की और उसकी बहुत खिदमत की गर्चे उनके यहाँ इनहराफ बहुत सारे हैं लेकिन उन्होंने इसकी खिदमत की मतकलम की तरफ नस्बत करते हुए इम तो को इम कलाम कह दिया गया बहुत सारे लोगों ने यह भी कहा है कि इलम तो को इम कलाम कहने की वजह यह है क्योंकि इम तो के अहम तरीन मबाश और मसाइल में से अल्लाह आलमीन के कलाम का मसला भी है लिहाजा वो मसला इतना जो है अहम है कि उसकी तरफ नस्बत करते हुए पूरे इल्मे तौहीद को इल्मे कलाम इल्म इल्म कह दिया गया यहाँ पर एक फ़ायदे की चीज़ मैं जिक्र करूँ जो कि शायद हमारी गुफ्तगू से ख़ारिज है लेकिन इल्म के लिए बहुत मुफीद है एक असलाह बोल बोली जाती है कि ला फिल लामशाह कायदे के तौर पर इसको पेश किया जाता है कि ला फिल हतफिल इसका माना यह बताया जाता है कि कोई नई अलाह इजाद करने में कोई हर्ज नहीं है कोई आप किसी भी चीज को किसी भी अतलाह में कह सकते हैं इतलाह का कोई एतबार नहीं है जैसे इल्मे कलाम इल्मे तो है आप उसको इल्मे कलाम कहें कोई हरज की बात नहीं है उसूल फेंक एक फन है अगर इसको किसी और नाम से भी आप याद करें तो इसमें कोई हरज नहीं है इस कायदे का यह माना है कि ला मुशाहता फिल इस्तिलाह, इस्तिलाह में कोई निजा और कोई मुशाह नहीं है लेकिन यह जो कायदा है यह कायदा मुतलक नहीं है इसमें कुछ कूद का लगाना बहुत जरूरी है पहली कैद तो यह कि जो इस्तिलाह हम इस्तेमाल कर रहे हैं उस अलाह का माना सही और सलीम और मुस्तकीम होना चाहिए जो अलाह हम इस्तेमाल कर रहे हैं उसका माना सही सालिम और होना चाहिए उसके अंदर कोई शरय मजदूर और कोई शरय कबाहत नहीं होनी चाहिए हाँ पहली शर्त यह है कि उसका माना मुस्तकीम हो दूसरी शर्त यह है कि उसके अंदर कोई शरय कबाहत ना हो अगर ये दोनों शर्तें किसी असलाह के अंदर पाई जा रही हैं तो उसके बाद हम ये देखेंगे कि क्या हमारे असलाफ ने उस माना को अदा करने के लिए क्या उस को जो है इस्तेमाल किया है या नहीं किया है अगर उस माना के लिए हमारे असलाफ के यहाँ अगर कोई असलाह मौजूद है तो ज्यादा बेहतर ये है कि वही असलाह इस्तेमाल की जाए और उसके लिए कोई नई असलाह ना ईजाद की जाए क्योंकि हमें मालूम है कि जो सलफ़ का इल्म है वो बहुत कवी है वो अहकम और असलम वही इल्म है लिहाजा सलफ़ की असलाह इस्तेमाल की जाए लेकिन अगर शलफ़ के यहाँ उस माना के लिए कोई अलाह मौजूद नहीं है तो फिर ऐसी सूरत में कहेंगे कि ला लाम फिल हतफफ़ल आप कोई भी अतलाह इस्तेमाल कर सकते हैं लिहाजा ये जो इल्मीद को इल्म कलाम बहुत सारे लोग कहते हैं ज़्यादा मुनासिब ये है कि इसे इल्मीद के नाम से ही जाना जाए आ, ये जो है इल्मीद ये चौथा मसदर और चौथा मज़ज है उसक़ का पाँचवा मसदर या पाँचवा माहज फ़िक का इल्मा है अरबी जबान का इल्म उ फ़िक के लिए बहुत ज़रूरी है और असूल फ़्र ने अरबी जबान से बहुत ज़्यादा इस्ता किया है क्योंकि हमें मालूम है कि कुरान और सुन्नत ये अरबी जबान में है अब अगर कोई इंसान कुरान और सुन्नत को कमा हकहू समझना चाहता है और गलती नहीं करना चाहता है उसके समझने में तो उसके लिए ज़रूरी है कि उसके पास अरबी जबान इल्म हो अरबी कुरान सुन्नत को कमा हक हो सही तौर से जैसा कि अल्लाह ताला की जो मुराद है या अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने और असलाफ ने जैसा समझा है उस तरह से बगैर अरबी ज़बान के इल्म के कुरान सुन्नत को समझा ही नहीं जा सकता है क्योंकि हम सभी जानते हैं कि दुनिया के अंदर जितनी जबाने हैं हर जबान का अपना एक उसलूब होता है बसा अवात वही माना किसी दूसरी ज़बान में दूसरे उसलूब में अदा किया जाता है इसलिए सिर्फ ज़बान का जानना ये काफ़ी नहीं है बल्कि उस जबान के असालिब का जानना भी ज़रूरी है इसलिए बहुत सारे लोग जो ये समझते हैं कि कुरान और सुन्नत को अगर हमने तर्जमे के साथ पढ़ लिया कुरान को का तर्जमा हमने पढ़ लिया या जो है हदीस का तर्जुमा हम कर सकते हैं तो हम शरीत को समझ सकते हैं ये गलत बात है ऐसा मुमकिन नहीं है देखिए बहुत सारे मानी तो ऐसे हैं जिनको आप तर्जमा के साथ समझ सकते हैं जिनके अंदर कोई जो है दिक्कत या कोई गमोज नहीं है उन मानी को तो आप समझ सकते हैं लेकिन बहुत सारे दकीक मसायल ऐसे होते हैं कि अगर उस जबान और उस जबान की तबीरत के असालिब से आप वाकिफ नहीं हैं तो उसको समझ नहीं सकते लिहाजा इसीलिए हम देखते हैं कि बहुत सारे लोग जिन्होंने कुरानो हदीस को

शरीया जिसको कि हम से ताबीर करते हैं, तो से भी एक एकफादा करता है मसाइल 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 से, से भी उसूले के, भी उसूले के में इस्तः करता है यहां पर एक सवाल आना जहन में लाजमी है जैसा कि हमने अर्ज किया कि उसूले के से हम के मसाइल मालूम करते हैं गोया किसूल फिक रास्ता है फेह तक जाने का तो जब फिकह तक जाने का रास्ता उसूल फिकह है तो फिर फिकह से उसूले फिकह का इस्तेमदा कैसे हो सकता है भाई जब हम अभी रास्ते में हैं अभी हम मंजिल पर पहुंचे नहीं है तो उस मंजिल से इस्तेफा कैसे कर सकते हैं तो ये सवाल जहन में आता है इसका जवाब यह है कि जब हम ये कहते हैं कि उसूल फिमदाद फिकह, फिकह से हुआ है बहुत सारे मसाइल में तो इसका मतलब ये हरगिज नहीं है कि फेह के जो जुजी मसाइल हैं उनसे इस्तेमदाद हुआ है बल्कि मिनह तस्वुर जैसे मिसाल के तौर पर एक उसूली, जब कोई मसला बयान कर रहा होता है तो उस मसले को समझाने के लिए उसे मिसालों की ज़रूरत पड़ती है नमाजिज की जरूरत पड़ती है जैसे उसूली कहता है कि अलमरुली वजूब अम्र वजूब के लिए है इसको समझाने के लिए वो फ़िक से ऐसे मसाइल लाता है जिन मसाइल की तदबीक दे सके अपने इस कायदे पर इस दलील पर जिसका उसने जिक्र किया है तो इस एतबार से उस फ़िक ने इस्तफा किया है फ़ही मसाइल से वरना इसका मतलब ये नहीं है कि फ़ ये पहले है बल्कि असूल पहले है ूल फ़िक के ज़रिया से ही फ़ही मसाइल का इस्तेमाल किया जाता है तो ये मुराद है ूल फ़ का फ़ से इस्ता करने का तो ये मोटे तौर पर छः या कुछ दूसरे ओसूलियों ने और भी माखज और और भी मसादर का ज़िक्र किया है लेकिन ये वो अहम मसाद और माखज हैं जहाँ से ूल फ़्र का इस्तमदाद है और जिन लूम से एक उसूली इस्तेफादा करता है और जो फ़्र के मसाइल हैं या उसके जो कवायद हैं उन कवायद का इस्तेमाल इन्हीं से एक उसूली करता है ओले फ़िक के मसादिर और माखज के बाद अब एक बहुत अहम मसले पर हम आते हैं कि ये जो ओसूल फ़िक्र है इसके मबाहिस क्या हैं वो कौन से मबाहिस हैं जिनके बारे में फ़ में बहस की गई है या वो कौन से मबाहिस हैं जिनका पढ़ना एक तलब इल्म के लिए जो असूल फ़्र पढ़ना चाहता है वो कौन से मबाहिस हैं जिनको पढ़ना ज़रूरी है उसके लिए यानी वो कौन से मबाहिस हैं जिन पर ऊूल फ़्र जो है मुश्तमिल है वो चार मबाहिस हैं ूल फ़्र की जो हमने तारीफ की अगर उस तारीफ पर हम गौर करेंगे तो हमें ूल फ़िक्र के मबाहिस का बहुत ही आसानी के साथ इल्म हो जाएगा उसूले फ़िक की जो हमने तारीफ की वो तारीफ है कि इल्मुन यबहसो अन इसके अंदर चार मबाहिस हैं जिनकी तरफ इशारा किया गया है कि ये उसूले के मबाहिस हैं। आ, इनको जानना और इनको याद रखना आपके लिए बहुत जरूरी है क्योंकि आगे हम जितनी भी गुफ्तगू करेंगे इन्हीं मबाहिस के बारे में होगी अब तक की हमारी जो गुफ्तु थी वो उस फदम के, के तौर पर थी मदखल के तौर पर थी अब हमारी इसके आगे हमारी बहस असल उसूले के मसाइल में शुरू होगी तो उसूल फक के मबास कौन कौन से हैं जिनके सिलसिले में एक उसी बहस करता है वो चार मबास हैं जिनका जिक्र इस तारीफ के अंदर है आ, जो पहला मबहस है उसूल फ्र का वो अहकाम शर्या के अंदर अहकाम शरीया से बहस होती है।, जो दूसरा है, अहकाम अशरीया, वो जो अहकाम है उनके अदिल्ला से बहस होती है ये दूसरा मबहस है तीसरा मबहस है कैफियतफादा यानी उन अदिल्ला से इस्फा करने का और अहकाम को मुस्मत करने का तरीका क्या है वो तरीका उसूल फेर का एक मबहस है तो तीसरा मबहस है उन अदिल्ला से इस्तें की कैफियत चौथा मबहस है इस्तहा और तकलीद का क्योंकि जो शख्स उन अदिल्ला से इस्ता कर रहा है वो मुश्तिद है अब वो मुश्त कौन ऐसा शख्स है जो मुश्तिद कहलाएगा इश्तिहाद के कौन से शुरूत हैं कौन से जवाबित हैं एक मुश्त के क्या आदाब हैं तो इससे भी उसूले फकह के अंदर बहस होती है तो इश्तिहाद और तकलीद ये चौथा मबहस है उसूले फ़िकर का तकलीद इसलिए बहुत सारे नाजरीन के दिमाग में ये बात आ सकती है कि जब उसूले फे के अंदर एक उसूली इस्तेमाल की बात कर रहा है तो मुखल तो मुस्तंबित होता नहीं है मुखल जो है इस्तेहाद करता नहीं वो तो किसी की तकलीद करता है तो फिर तकलीद के बारे में इससे क्यों यहाँ पर क्यों बहस की जाती है तो तकलीद ये इस्तेहाद का कसीम है बगैर तकलीद का जिक्र किए हुए आप इश्तिहाद को मुकम्मल तौर से नहीं समझ सकते ये तकलीद इश्तेद का कसीम है इस एतबार से जब हम एक मुश्तिद का और इश्तिहाद का जिक्र करेंगे तो उसके साथ तकलीद का जिक्र होना भी जरूरी है कौन सी तकलीद सही है उसके क्या शरूत हैं और कब तकलीद करना गलत है ये सारे मबाहिस भी इसमें आते हैं तो उसूल फर के ये चार मबाहिस हैं पहला मबहस है जो है अहकाम शरिया दूसरा मबस है अदिल्ला और वो अदिल्ला मुतफ़ अले भी हैं मुखलफी भी हैं जिनका जिक्र आएगा इन तीसरा मबहस है उन अदिल्ला से इस्तें की कैफियत और चौथा मबहस है अस्तहाद व तकलीद तो ये चार मबास हैं उ के अंदर जिनके सिलसिले में हमारी गुफ्तगु इन शुरू में होगी तो इन मबास को जहन में रखना ज़रूरी है और इन शनी गुफ्तगु की इब्तदा ये जो चारों मबाहिस हैं इन चारों मबाहिस में से पहले से करेंगे जो कि अहकाम शरिया हैं तो सबसे पहले हम अहकाम शरिया से मुतालिक अपनी गुफ्तु शुरू करेंगे अहकाम शर्या से क्या मुराद है अहकाम शरिया की कितनी किस्में हैं और उन आ, तमाम अकसाम में क्या मसाइल हैं इनशाला ये सारी तफसलत आगे की दरूस में आएंगी आज की गुफ्तु हम यहीं पर ख़त्म करते हैं इन शुरू का ये सिलसिला जारी रहेगा अल्लाह अल्लाहर आलमीन हमें आप सबको आ, इन दरूज से इस्तेफादे की तोफीक अता फरमा अल्लाह वरह वुनिया में अमन को आम करने की इस कोशिश में हमारा साथ दें आई प्लस टीवी को डोनेट करने के लिए अभी कॉल करें नाइन फाइव डबल ड़ एट डबल एट डबल एट टू सिक्स पर ऐसे ही और वीडियोस बनाने में हमारी मदद करें